रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पीलिया के साथ नए मामले मिले हैं। पीलिया पीड़ितों की संख्या अब बढ़कर 382 हो गई है। रायपुर में पीलिया मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर के 40 जगहों के पानी सैंपल की जांच हो चुकी है, जांच 22 जगहों का पानी दूषित मिला है। तो आपको बता दें कि पीलिया पीड़ितों की संख्या राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब पानी का भी सैंपल लिया गया है। 41 जगहों के पानी का सैंपल लिया गया है, जिनमें से 22 जगहों का पानी दूषित मिला है। एक बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर पीलिया पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि 382 मामले पीलिया के सामने आ चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसके चलते पानी की भी जांच की जा रही है। 41 जगहों के पानी की जांच हुई है, जिसमें से 22 जगह का पानी दूषित मिला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जहां देश भर में कोरोना के चलते लोग परेशान हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए पीलिया परेशानी का सबब बना हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से उसी तेजी से छत्तीसगढ़ में जो है पीलिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी के कई क्षेत्रों में पीलिया का प्रकोप फैला हुआ है। शनिवार को ही 120 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, और रविवार होने की वजह से जो है स्वास्थ्य विभाग को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इधर फिर 7 जो नए मरीज है वो मिल गए हैं, और अब राजधानी में पीलिया मरीजों की जो संख्या है वो 382 हो गई है। तो इस तरह से जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से नगर निगम की जो कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाते हैं। तो जो निगम कमिश्नर है, उन्होंने भी कमिश्नरों को पानी की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है, वरना कार्रवाई के लिए तैयार होने को के लिए भी कहा गया है निगम कमिश्नर ने। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो नगर निगम के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। और एक गंभीर बात है कि 41 जगहों का जो पानी जांच किया जाता है, उसमें 22 जगहों का जो पानी है वो दूषित पाया जाता है। तो इस तरह से जो पीलिया के मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो रहवासी है वहाँ के, उनको भी एक मजबूरी है कि वो पानी, दूषित पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है। पानी में कीड़े होते हैं, तो इसे मतलब नगर निगम के द्वारा या फिर कहा जाता है कि इसे उबाल कर पीजिए या फिर छान कर पीजिए, तो उबाल कर पीना ही काफी नहीं होता। इसी वजह से जो पीलिया मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रिया, जो पीलिया के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ एक कारण पानी का दूषित हो रही है, या इसका और भी कोई कारण है जिसके चलते ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? पानी का दूषित होना ही एक तो पहला कारण है, और दूसरा कारण ये है कि जो खाना पीना है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह से जो ताजे फल और सब्जियां खाने की हिदायत जो है लोगों को दी जा रही है, अभी लॉकडाउन की वजह से काफी जो लोग हैं वो खाने के लिए जो डर रहे हैं, तो इस तरह की जो समस्या है वो भी बनी हुई है लगातार, क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ जो चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही है कुछ लोगों को, और कुछ नहीं पहुँच पा रहे उस तरह। चाहे कितने भी दावे किए जाए प्रशासन के द्वारा कि खाना वितरित किया जा रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, जो तरफ नहीं, तो इस तरह के जो ताजा खाना खाने वाले लोग हैं वो भी नहीं खा पाते। तो इस तरह से जो काफी सारी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है, इस वजह से भी पीलिया के जो मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी सुप्रिया, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग, शासन और प्रशासन काफी एक्टिव है, ये हमने कोरोना महामारी के चलते देख रहे हैं कि लगातार सभी शासन हो, प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, सभी एक्टिव हैं। अगर बात पीलिया की जाए तो इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? पीलिया को लेकर यदि कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, और शिविर में जो लोग हैं उनकी खून की जो जांच है वो की जा रही है। तो इस तरीके से जांच की जा रही है लोगों की, वहाँ की जो रहवासी है उनमें सभी की जांच की जा रही है, और उनमें एक बोर्ड भी टंगा हुआ है कि हमें पीलिया को हराना है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आसपास के जो पीलिया पीड़ित लोग हैं और वो जो इलाका है वहाँ पर भी जांच की जो प्रक्रिया है वो बनी हुई है, और इस तरीके से जांच है वो हो रही है लगातार, और पीलिया पीड़ितों की संख्या में भी जो है वो इजाफा तो जरूर हो रहा है, लेकिन जो मरीज है वो भी ठीक होते हैं नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफी सतर्क भी है इस मामले पर। चलिए सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए